नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टोनोश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखिए मेरे पास एक सोनी का स्टीरियो आया है। इसका मॉडल नंबर देखिए CDX Z1070U, इसका मॉडल नंबर है। तो ये कस्टमर ने बोला इसमें ब्लूटूथ लगा देने के लिए, तो इसको हम पहले लाइन देके चेक करेंगे इसमें बाकी फंक्शन वगैरह ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई देना होगा। पहले हम इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई लगाएंगे। सप्लाई लगाने के बाद हम देखेंगे ये जो इसमें जो जो सिस्टम है चालू है या बंद है। तो इसके लिए मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको लाइन दे करके दिखाएंगे और कहाँ पे ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं, कहाँ से इसका वोल्टेज सप्लाई देते हैं, कहाँ से इसका ऑडियो सप्लाई देते हैं, सारा कुछ एक एक करके हम बताएंगे आपको। चैनल पे ज़रूर बने रहिए, और चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने तो कैमरे को सेट कर लिया है। इसमें हम पहले 12 वोल्ट का सप्लाई लगा के और इसमें स्पीकर लगा के इसमें हम चेक करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने इसका 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अभी इसको स्पीकर लगा के देखते हैं। दो स्पीकर इसमें हम लगा के देखेंगे। क्योंकि हमें दोनों साइड का ऑडियो चाहिए, लेफ्ट राइट का, तभी हम इसमें ब्लूटूथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम 12 वोल्ट सप्लाई इसमें दे देते हैं। बड़ा वोल्ट का सप्लाई हमारा आ गया। मीटर से चेक करते हैं। देखिए 12.11 वोल्ट हमें इस स्टीरियो पे मिल रहा है। तो इसको हम ऑन करते हैं। ये ट्यूनर में आ गया, ये रेडियो का साउंड भी आ रहा है। तो इसमें हम एक सीडी के सेट लगा के देखते हैं। दोस्तों, इसका सीडी फंक्शन बराबर है। ठीक है, तो इसका मोड चेंज करते हैं। यूएसबी में आ गया, ये ऑक्स में आ गया, बाकी फंक्शन वगैरह ठीक से काम कर रहा है। तो देखिए इसमें तो यूएसबी और ऑक्स लाइन भी है, तो किस लिए हमको ब्लूटूथ लगाने के दिया है वो तो हमने दूसरे वीडियो में बताया ही है। ये इधर ब्लूटूथ लगाने से क्या होता है, ये पैर लगता है जो घुटने लग कर के टूट जाता है ब्लूटूथ, इसीलिए अंदर लगाना ज़रूरी होता है। अंदर लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बढ़िया से चलता है। तो इसको हम खोलते हैं, खोलने के बाद दिखाते हैं डिटेल्स में कैसे आपको इसमें ब्लूटूथ लगाना है। ठीक है, और कहाँ से इसका वोल्टेज सप्लाई देना है, कहाँ से इसका ऑडियो सप्लाई देना है, तो एक एक करके सारे कुछ हम डिटेल में बताएंगे। चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं तब तक स्टीरियो को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसका स्क्रू खोल दिया है। ठीक है, तो इसका लोडर भी निकाल लेते हैं। देखिए इसके जो लोडर है, लोडर में क्या है, एक बेल्ट लगा हुआ है। दूसरा मॉडल में ऐसा बेल्ट नहीं होता है। ठीक है, मॉडल दूसरा है ये। देखिए ये दूसरा मॉडल का मेरे पास भी
सीडी लोडर है। देखिए ये मॉडल और मॉडल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस मॉडल में कोई बेल्ट नहीं होता है, सिर्फ ये कनेक्टर होता है और इसमें बेल्ट होता है। तो इसको हटा लेते हैं। इसका बोर्ड देखिए किस तरह का है, ठीक है। तो इसको अभी हम अभी लाइन देंगे और लाइन दे करके इसमें देखिए हम इसमें रेगुलेटर सप्लाई का कोई एलएम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम लाइन दे दिया, इसका पावर भी ऑन करते हैं। पावर ऑन हो गया है, इसको हमने मोड सेंस कर लिया। तो अभी इसको ग्राउंड पे रखते हैं। ग्राउंड पे रख करके इसमें हम 5 वोल्ट डायरेक्ट मिल जाएगा इधर। ये देखिए 4.9 वोल्ट यहाँ पे हम मिल रहा है। इसमें आपको एलएम का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम 5 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 5 वोल्ट सप्लाई ले लेंगे। तो हम ब्लूटूथ चिप्स निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास ब्लूटूथ चिप्स है, ऐसे लग करके रील की तरह आता है, तो यह से हमें तोड़ लेना पड़ता है। ये हमने एक तोड़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको ब्लूटूथ का कनेक्शन करना है, इस पर यहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है कहाँ पे कौन सा क्या क्या कनेक्शन देना है। ठीक है, तो इसको हम पहले इसमें कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑडियो कहाँ से देंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने ब्लूटूथ चिप्स का जो कनेक्शन है सारा कनेक्शन हमने कर दिया है। देखिए ये तीनों हो गया हमारा लेफ्ट राइट का ऑडियो और माँ बीच में ग्राउंड है, ठीक है। और ये दोनों हो गया हमारा, ये दोनों हमारा हो गया वोल्टेज का, ये तीनों हो गया लेफ्ट राइट का ऑडियो और बीच में ग्राउंड, ठीक है। तो ये तीनों तो हम थोड़े बाद में कनेक्शन करेंगे, पहले इसमें वोल्टेज सप्लाई दे लेते हैं। इसको तार जो है लपेट लेते हैं तो भी अच्छा लगेगा। इसमें हम पहले सप्लाई लगा लेते हैं, और सप्लाई कहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट हमें बोर्ड में से मिल जाएगा। हमें इसके लिए आप एक्स्ट्रा एलम का कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है दूसरे स्टीरियो में 5 वोल्ट सप्लाई का एलम आसानी से मिलता नहीं है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा करके लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, तो इस बोर्ड को अभी इधर अच्छे से चिपका देना है, नहीं तो इधर उधर जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से चिपका देते हैं, और हमको कनेक्शन कहाँ देना है वो भी हम आपको आराम से दिखाते हैं। थोड़ा लाइट को नज़दीक ला करके देखिए दोस्तों, इस पैनल में से इस पैनल का जो सॉकेट है यहाँ से निकलता है कनेक्शन, और इस आईसी से निकल करके ये जो पॉइंट है एक और ये दो, ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट का ऑडियो है जो हम आपको चेक करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसका जो चिप्स है इसको हमने से चिपका दिया है, तो इसका जो दोनों ग्राउंड है तो इसको हम एक ही जगह लगा देंगे, क्योंकि ग्राउंड
आपको एक ही जगह लगाना है दोनों ग्राउंडों को। यह हो गया हमारा ग्राउंड का कनेक्शन। और अभी हम करेंगे लेफ्ट राइट का ऑडियो कनेक्शन। और आपको जूम करके दिखाएंगे हमने कहाँ पे कनेक्शन किया है। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, नहीं तो आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा हमने कनेक्शन कहाँ से दिया है। नज़दीक से दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये हो गया हमारा दोनों कनेक्शन। आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए हमने कहाँ पे दिया है ये दोनों कनेक्शन। ये हमारा लेफ्ट राइट का ऑडियो है, ठीक है। तो अभी हम चेक करने वाले हैं। आपको चेक करके दिखाएंगे इसमें साउंड बराबर से आ रहा है कि नहीं। तो ये और एक काम है, मैं लास्ट में दिखा दूँगा कैसे इसमें क्या करना है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, मैं इसका सीडी लोडर को लगा लेता हूँ। इसका जो सीडी लोडर है इसको इधर बिठा लेता हूँ। सीडी लोडर हमारा बेल्ट हमने लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा जो स्टीरियो है हमने इसमें लाइन दे दिया, देने के बाद ही एफएम मोड में आया है। तो इसमें हम मोड चेंज करते हैं, सीडी भी आ गया, यूएसबी भी आ गया, अभी ये ऑक्स में आ गया है। देखिए इसको हम बंद करेंगे, ये बंद हो गया। जब भी ये स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे तभी ये ब्लूटूथ चिप्स ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही ऑन किया, ये देखिए कनेक्ट हो गया, साथ साथ कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों हमारा इक्वलाइजर बढ़िया से काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन बराबर से हो गया। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।